जेल जाना बॉलीवुड के सितारों के लिए तो आम बात हो गई है। आज कोई भी कलाकार नहीं बचा जो जेल के दर्शन न करके आया हो। और अब बॉलीवुड की तरह टीवी इंडस्ट्री के भी सितारे आए दिन जेल में नजर आते हैं। ये सितारे किसी न किसी मामले में जेल के दर्शन कर चुके हैं और कुछ दिन जेल में गुजार भी चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टीवी के उन सितारों से रूबरू करवाएंगे जो जेल जा चुके हैं। आइए जानते कौन है वो। नंबर 6, मोनिका बेदी। सरस्वती चंद्र और बंधन जैसे सीरियल में नजर आ चुकी अभिनेत्री मोनिका बेदी ने टीवी शोज के साथ साथ कई फिल्मों में काम किया और खूब सफलता भी हासिल की, पर इसके बावजूद ये भी एक बार जेल की हवा खा चुके हैं। बात उस समय की है जब इनका अफेयर डॉन अब्बू सलीम के साथ था, जिसके चलते एक बार इन्हें अब्बू सलीम के साथ एक इल्जाम में पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अपने हिस्से की सजा काट कर वापस भारत आ गई और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने लगी। नंबर 5, एजाज खान। बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके अभिनेता एजाज खान का लगता है जेल से पुराना नाता है। ये आए दिन किसी न किसी मामले में जेल के दर्शन करते ही रहते हैं। हाल ही में इन्होंने तबरेज अंसारी की मृत्यु के ऊपर बनाए गए टीम 07 के टिकटॉक वीडियो का समर्थन करते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसमें इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग की मिमिक्री की और मुंबई पुलिस का खूब मजाक उड़ाया। साथ ही एक धर्म विशेष का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अब कोई शख्स आतंकवादी बनता है तो उसे कुछ ना कहा जाए। इनके इसी बयान से मुंबई पुलिस काफी भड़क गई और इन्हें धार्मिक भावना भड़काने वाले वीडियो बनाने और इन वीडियो के माध्यम से सामाजिक द्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद 1,00,000 की जमानत पर बरी भी हो गए। नंबर 4, राहुल राज सिंह। टीवी अभिनेता राहुल राज सिंह और अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के बीच के रिश्ते किसी से छुपे नहीं रहे। इन दोनों के बीच रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसके चलते प्रत्युषा ने सुसाइड कर लिया, जिसका शक सीधा इन पर गया। इनके फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सुसाइड केवल इन्हीं की वजह से किया है, क्योंकि इन्होंने इन्हें चीट किया था। पुलिस ने इस बयान को सुनकर इन्हें इस मामले में जेल में बंद किया, पर जब इन्हें दोषी नहीं पाया गया तो इन्हें बरी भी कर दिया गया। नंबर 3, कपिल शर्मा। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी आजकल जेल के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि अपने मुंबई के गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निर्माण करा रहे थे, जिसका पता बीएमसी को लग गया और उन्होंने उनके खिलाफ केस कर दिया, जिसके चलते आए दिन जेल के चक्कर लगाने को मजबूर है। वैसे तो अभी नए इस इल्जाम में दोषी नहीं पाया गया है, लेकिन अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो 3 साल की जेल हो सकती है। आपको बता दें, इनके खिलाफ महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के सेक्शन 537 के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 1 से 3 साल की जेल या 2,000 से 5,000 का जुर्माना लगता है। नंबर 2, देवोलीना भट्टाचार्य। टीवी इंडस्ट्री की संस्कारी बहू देवोलीना भट्टाचार्य को एक मर्डर केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला था कि डायमंड मर्चेंट राजेश और किशोरी लाल के मर्डर केस में देवोलीना का हाथ शामिल होने का आरोप लगा है। इसी वजह से इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और घाटकोपर के पैन नगर पुलिस स्टेशन में इन्हें कई दिनों तक रखा गया, जहां इनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, पर जब इन्हें इस केस में दोषी नहीं पाया गया तो इन्हें जल्द ही बरी कर दिया गया। नंबर 1, सिद्धार्थ शुक्ला। स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से दिल जीतने वाले सिद्धार्थ शुक्ला आज बिग बॉस की आन और बान और शान भी है। हाल ही में ये शो में जेल की हवा खा चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रियल लाइफ में भी जेल जा चुके हैं। दरअसल 2018 में इनकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें काफी लोगों को चोटें आई। इसी के चलते इन्हें रैश ड्राइविंग के इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले गई और कई दिनों तक जेल में रहे, और पर ये जल्दी इल्जाम से बरी भी हो गए। तो दोस्तों, आपको इन सभी सितारों में से किस सितारे के बारे में जानकर ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो। और टीवी से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।